बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देने के लिए थैंक यू महादेव, और थैंक यू सो सो मच एवरीवन मेरी इतनी बड़ी फैमिली बनने के लिए। वी आर 5 मिलियन और 50 लाख लोगों का प्यार, इस खुशी को मैं अपने वर्ड्स के थ्रू कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, आज हो कल हो कभी भी नहीं कर सकती। आप सब जिस तरह से मुझे प्यार देते हो और सपोर्ट करते हो, हमेशा ही कहती हूँ थैंक यू, जो कि इनफ नहीं है, बट प्लीज़ यार प्लीज़ ऐसे ही हमेशा साथ रहना मेरे। इस बार मैंने अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि 5 मिलियन हो गए हैं यार, छोटी बात थोड़ा है। पहले तो आप मेरी ये पूरी फैमिली से मिल लो, उसके बाद मैं आपको आगे चीज़ें बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें की। कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, जो मैंने काम चूज़ किया है ना, वो बहुत ही अच्छा है यार, मुझे हर जगह पर बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पर कुछ पोजेस दे रही हूँ और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पर रात में 10 बजे आए हुए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कैमरा वाले भैया को भी बुला लिया था, यार सेलिब्रेशन पे गए तो पिक्चर्स तो अच्छी अच्छी आनी बनती है। जब तक मैं वहाँ पर थी, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मुझसे मिलने आ रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और आप सबको बताऊँ, सब कुछ मैंने 3 घंटे के अंदर प्लान किया था, और दादा के साथ मिल करके सब कुछ फटाफट से अरेंज किया था, बलून डेकोर करवाया था, केक का ऑर्डर भी दे दिया था, मैंने केक खुद से नहीं बनाया, वरना कुछ तो स्पेशल बनाती। अभी सब कुछ अचानक से मैंने कैसे प्लान किया, क्योंकि 29 को 3-4 बजे के करीब मेरे 5 मिलियन कंप्लीट हुए और बारिश हो रही थी, और इस टाइम पर बड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सभी दादा भाभी मौसी सभी लोग घर पर ही है। आज लेकर जाना था बड़ी मम्मी को कटनी फिर से डॉक्टर को दिखाने, तो फिर यहाँ वहाँ सब चले भी जाते, तो मैंने सोचा नहीं, आज ही सेलिब्रेशन करना है और पूरी फैमिली को लेकर जाना है, ताकि सबका मन भी ठीक हो जाए और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये साड़ी मेरी बड़ी मम्मी की है, मेरी 2 बड़ी मम्मी, ठीक है, एक सबसे बड़ी, फिर एक उनसे छोटी, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है। अभी मेरे पास 5 मिलियन स्पेशल करने के लिए कोई खास ड्रेस तो था नहीं, तो मैंने साड़ी पहन ली। डेकोरेशन के लिए मैंने भैया को बुलाया, और थैंक यू सो मच, जो भी मतलब अर्जेंट काम होता है ना, तो भैया कभी मना नहीं करते, हमेशा आ जाते हैं, और केक का भी हमने अर्जेंट ऑर्डर दिया, और सबको, हम लोग ना यहाँ पर कम से कम 23 से 24 लोग आए हुए थे। फैमिली के साथ कहीं भी आना ना बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत रिलैक्स फील किया, सबने बहुत सारी बातें की, हमने यहाँ पर बहुत अच्छा सा डिनर भी किया, सब कुछ इतना अचानक से किया था ना हमने, कि मतलब 7 बज गया था और हमने बोला कि आज घर में खाना नहीं बनेगा, आज हम जा रहे हैं बाहर सेलिब्रेशन करने, और अचानक से बस सबको रेडी किया और लेकर के चले गए। फिर खुद के और सबके साथ बहुत बहुत सारी फोटोज़ भी क्लिक करवाई, सबने बहुत सारी बातें करी, फिर केक कट किया हमने, और बस बहुत बहुत मज़ा आया। ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन मेरी फैमिली के साथ मैंने किया, क्योंकि अभी कुछ दिनों से घर में कुछ भी चीज़ें ना ठीक नहीं चल रही थी, और सब परेशान थे, क्योंकि बड़ी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। अभी भी आप वीडियो पर देख सकते हो, मेरी बड़ी मम्मी, मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले रेडी होने वाली, और किसी भी सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली, और सब कुछ पहले करने वाली है, जो कि आज खुद मतलब उन्हें ना कपड़े भी चेंज करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी उन्हें ऐसे ही लेकर के आए। फिर भी वो पूरी तरह से पहले जैसी तो ठीक नहीं है, बट वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। आप मेरी
पूरी फैमिली से मिल सकते हो। ये है मेरी दादा भाभी और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स उन्नति और प्रगति। अभी एक रूबी है वो बाहर है, उसको भी मैंने व्लॉग पर अभी शायद नहीं दिखाया आपको, तो मैं आगे दिखाऊंगी। और ये है पापा मम्मी और मैं बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती हूँ, ऐसा सभी कहते हैं। आपको भी लगता है क्या तो मुझे कॉमेंट करके बताना। रिकॉर्ड बहुत प्यारा हुआ था, मैंने भैया को अर्जेंट में 1 घंटे का टाइम दिया था और उन्होंने उतने टाइम में ही बहुत अच्छा सा डेकोरेशन कर दिया। और केक तो हमने बेकरी से ऑर्डर करके मंगाया था कि अभी हमें केक तो कट करना है सेलिब्रेशन में, उसके बिना तो अधूरा है, अदरवाइज मैं खुद से बनाती ना तो कुछ और भी स्पेशल हो जाता। आप सबको आज मैं जो भी हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी इतना अच्छा हो रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं ब्लेस्ड तो फील करती हूँ। और सच में ऐसे एक मिरेकल जैसे लगता है, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, मैं एक होम बेकर बन जाऊंगी और आज मैं वही हूँ। अच्छी चीज़ मैं आपको अपने काम की बताऊँ, क्यों मैं इतना खुश रहती हूँ, क्योंकि एक काम वो होता है ना जैसे करके हमें सिर्फ पैसे मिलते हैं, और एक काम ये है जिसमें हमें पैसे तो मिलते ही है, साथ में इतने लोगों का प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो पैसे से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। तो बस लाइफ में इतनी खुशियाँ देने के लिए मैं भोलेनाथ को हर दिन हर पल थैंक यू कहती हूँ। बस और मैं पर्सनली ये चीज़ मानती हूँ और बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि हमारी जो सक्सेस होती है ना वो हमारे अकेले की नहीं होती है, हमारे हर फैमिली मेम्बर्स का उसमें उतना ही सपोर्ट होता है, उतनी ही हेल्प होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरी एक बड़ी दीदी है, किक्की दीदी हम उन्हें कहते हैं, तो वो मेरे लिए ना मतलब जैसे मैं इस जर्नी जब मेरी ये शुरू हुई थी केक बनाने की, तब मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने लेकर के बनाना भी स्टार्ट किया हुआ था, वो उस टाइम पर सीख रही थी, बट फिर उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, तो उन्होंने मुझे बिना किसी टेंशन के उन्होंने मुझे अपना सारा सामान दिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, जो चीज़ें उनसे आती थी वो मुझे बताती थी। मेरी मासी है वो भी केक बनाती थी, तो उन्होंने मुझसे उनसे जितनी हेल्प होती थी वो भी मेरी हेल्प करती थी। स्टार्टिंग में आपको हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वो हेल्प मुझे दीदी से मिली, उन्होंने मुझे हर सामान दिया, पूरा सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए, कुछ चीज़ें परचेस करी और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वो चीज़ें ना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और फिर मेरे घर में मेरी छोटी बहन ने और मेरी क्यूटी पाई ने, आपने देखा होगा, वीडियोस बनाने के लिए ट्राईपॉड नहीं होता था, तो वो दो दो तीन तीन घंटे गर्मी में खड़े होकर फ़ोन पकड़कर वीडियोस रिकॉर्ड करते थे और बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मेरी हर चीज़ में। तो वो सब चीज़ें ना मैं कभी नहीं, बड़े भाइयों का होना, उनका इतना सपोर्ट करना हर चीज़ में, अगर मुझे कहीं भी कोई सामान मंगाना है मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी बोलूँगी वो मुझे मिल जाएगा, कहीं ऑर्डर देना है तो वो केक दे करके आ जाते हैं, मतलब हर तरह से वो मेरे लिए खड़े रहते हैं। और फिर मैं अपनी मम्मी को जितना भी थैंक यू बोलूँ वो उतना ही कम है, क्योंकि इतने कम स्पेस में इतना कंजेस्टेड हो जाता है ना, तो भी मम्मी मेरे साथ उतने ही अच्छे से डील करती, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती है, डांट भी देती है, बट सारी चीज़ें वो हैंडल करती है। और तो और पापा का भी इतना सपोर्ट होता है, वो खुश रहते हैं, हमेशा पूछते हैं अरे अभी कितने हो गए, अभी कितने सब्सक्राइबर हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर पापा बड़े, पापा बड़ी मम्मी, ये सारी चीज़ें ना पूछते रहते हैं, खुश होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लाइफ में आपके ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक बहुत स्पेशल होता है, जब कभी आप मतलब बहुत थक जाते हो, निराश हो जाते हो, तो वो आपको इस तरह से सपोर्ट करता है कि नहीं आप ये कर सकते हो, करोगे। और मेरी फ्रेंड्स हैं जो, वो भी मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए बोलती रहती है। और सबसे मतलब लास्ट और बिगेस्ट थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ जिसने आज मुझे इस जगह पर खिला करके खड़ा किया है, और ये स्पेशल थैंक्स है मेरे छोटे भाई को, जिसे बोलते हुए मेरे आंखों में आंसू भी आ गए हैं, मैं थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। और पता है आप सबको, अगर मेरा छोटा भाई, मेरा जो भैया है, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, मेरा चैनल क्रिएट नहीं करता, तो आज मैं कुछ और ही कर रही होती, हो सकता है कि मैं भटक रही होती या किसी चीज़ में और परेशान हो रही होती, लेकिन उसने सही टाइम पर वो सारी चीज़ें मेरे लिए करी जिससे आज मुझे ये सब कुछ मिल रहा है।
पहले तो वो मैं जब कुछ भी बनाती थी तो वो बुराई करता था, फिर उसको जब अच्छा लगने लगा वो चीज़ें तो उसने तुरंत चैनल क्रिएट किया, फिर उसने खुद से वीडियोस बनाना मुझे सिखाया। घंटों घंटों वो खड़े रह करके मेरे पहले की वीडियोस भी रिकॉर्ड करता था, मुझे बहुत डांटता भी था। एडिटिंग, अपलोडिंग, थंबनेल बनाना, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ उसने मुझे सिखाई। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, मैं बहुत खुश नसीब तो हूँ। और बस थैंक यू सो मच भैया। तो वो पढ़ने गया हुआ है, कभी घर आएगा तो मैं आपको फिर आगे वीडियोस पर भी उससे मिलवाऊंगी। तो अभी यहाँ पर केक कट हो गया, सबके साथ फोटोज भी क्लिक हो गई, अभी यहाँ पर हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को थैंक यू सो मच, मेरे कस्टमर्स को और मेरे रिलेटिव्स को, जहाँ कहीं भी आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, आप सबको दिल से थैंक यू। और बिगेस्ट थैंक यू मेरी एडर फैमिली को। सब कहते हैं कि क्या ही है इसमें, क्या ही केक बनाती है जो उसके इतने ओवर रेटेड है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं। बट आप सब जानते हो कि मैं आप सबके सामने रियल हूँ, फेक नहीं हूँ, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपके साथ रियल रहती हूँ। तो उस वजह से आप सब मुझे इतना प्यार देते हो। तो बस थैंक यू सो मच। और कोई कुछ भी कहे, आप अच्छा लगे यदि आपको, तो प्लीज़ हमेशा इसी तरह से प्यार देना और मेरी फैमिली बनकर रहना। फर्स्ट टाइम पर हम इस तरह से फैमिली डिनर पर आए हुए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, पापा और बड़े पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वो खुशी देखकर ना एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक खुशी होती है कि हाँ, हमने कुछ तो किया है। मेरे छोटे भाइयों से भी मिल लो, और यहाँ तक कि अभी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है तो उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर नहीं है, वरना आपको वीडियो पर और भी ज़्यादा लोग दिखते हैं ना। सब कुछ बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो गया। आई होप मेरी तो फैमिली को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम इस तरह से मैंने साड़ी वेयर करी, सब कुछ अचानक से डिसाइड, कुछ भी नहीं था पहले से, अचानक से सब कुछ किया। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। हाँ निखिल, व्लॉग नहीं बनाए हो तुम, दुखी तो है हम। व्लॉग नहीं, व्लॉग 2.0 निखिल, व्लॉग 2.0 टॉप वाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू, लव यू ऑल। कुछ पिक्चर्स हैं, आप सब एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सो मच यूट्यूब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। और सच में लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये मेरे लिए, मतलब सब कुछ ही चेंज हो गया जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। तो थैंक यू। चीज़ें मैं सोचती थी ना, वो सारी चीज़ें आज मैं कर पाती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। और सारी चीज़ें वो जो मुझे सही करनी थी वो मैं कर पा रही हूँ। और बस अभी मुझे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए है। और आप सबको वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हर वीडियो पर, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। और हमेशा की तरह बार बार कहती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहना। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हर हर महादेव।